गुड मॉर्निंग ऑल माई यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? बस सुबह हो गई है और हम यहाँ अपने लिए बना रहे हैं नाश्ता। तो ऑमलेट और ब्रेड है, ऑमलेट बन रहा है, इधर चाय चढ़िए। जैसे हर घर में, हर नॉर्मल घर में होता है कि बिना चाय का मेरी तो सुबह नहीं होती, आप लोग बताइए। तो ये रहा मेरा नाश्ता। क्या हुआ? क्या खाना है टोटो? क्या खाना है? क्या हुआ टोटो? कहाँ हुआ? चाय नाश्ता करना भैया को? भैया को चाय नाश्ता करना? अच्छा, पीना है? चलो देते हैं। भैया ऑमलेट खाएगा? ब्रेड खाएगा? कौन का खाएगा? आओ, ये चाय भी देखो हो गई है। हाँ भैया, बता रहा। आज आपको मेरी इस वीडियो में बहुत सारे पार्सल मिलेंगे। कुछ अमेजोन से हैं, कुछ मीशो से हैं। ये मीशो से हमने एक आइस रोलर मंगवाया है। आजकल देख रहे हैं हर तरफ बड़ा छाया हुआ है, तो हमने कहा देखते हैं क्या वर्क करता है। और बाकी के ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने कहा जब लिए हैं तो आप लोगों को भी दिखाएं। अब तो ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, तो चलिए पूरे अच्छे से दिखाते हैं। तो सुबह हो गई है, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मेरे पैकेट्स रखे हुए हैं, अमेजोन के हैं, कुछ मीशो के हैं। तो हमने कहा चले आपको दिखाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम दिखाते हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं जो जो लें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑनलाइन ही का ज़माना चल रहा है, तो लेते ही रहते हैं। और लेकिन ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले सलाम दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है। और इसमें हमने फ्रिज जो होती है उसकी शेल्फ जो है उसमें रखने के लिए कवर मंगवाया है। ये सेट ऑफ थ्री है, हमने मंगाया था, वाइट आया है, ग्रे कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। क्योंकि सामान वगैरह रखो और जो ग्लास होता है वो उस पर स्क्रेचेस आ जाती हैं, तो बहुत दिनों से सो जाते, फाइनली आ गया है। तो दूसरा ये बॉक्स है, और आप सबको पता है कि हमें ज्वेलरी का बहुत शौक है, हमने ये सब ओपन कर लिए थे। मतलब ओपन क्या, कि टाइम ना लगे, वरना ये ढूंढो कि किस चीज़ से ओपन करें क्या है। ये जो ज्वेलरी बॉक्स है बहुत स्मॉल सा, और लेकिन मतलब साइज बहुत छोटा है, हमने एक्सपेक्ट इतना छोटा नहीं किया था। चलो जब अभी ज्वेलरी रखेंगे तो दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इयररिंग वगैरह या रिंग्स का बहुत शौक है, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहनते हैं, फिर जाते हैं तो ज़रूरी है लाना, तो इसलिए मंगवाया था। लेकिन काफ़ी छोटा है, अब देखते हैं इसमें कितना सामान आता है। चलिए अभी रखेंगे तो दिखाएंगे। और ये मीशो से मंगवाया है, और ये है ऑर्गेनाइजर, क्लोथ्स कपड़ों के रखने के लिए जो बैग्स होते हैं वो जा रहे थे वही शेल्फ सही करने, हमने कहा पहले आप लोगों को दिखा दें। तो ये पोलका डॉट पर है, और क्योंकि जब मंगाओ तो समझ में नहीं आता है क्या साइज होगा, अभी तो फिलहाल के लिए साइज वगैरह सही लग रहा है। और आगे से फ्रंट हो में मतलब आप जो भी रखें, इसमें ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है कि जो भी रखेंगे वो दिखेगा, तो इसमें भी जब कपड़े वगैरह रखेंगे तो आपको दिखाएंगे। चलिए तो ये अमेजोन से मंगवाया है, बहुत बड़ा सा पैकेट है, लेकिन इसको क्या करें ओपन करके, क्योंकि ये कार का कवर है, हमने का मंगाया है तो आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ, एक और मेरा पार्सल आ गया है, वो भी ये भी मीशो का है, और इसको भी ओपन करके दिखाएंगे कि क्या लिया है। कल परसों से लगातार पार्सल आ रहे हैं, एक साथ जब आप बुक करिए तो यही होता है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं घर। तो शाम हो गई है, और मेरी शाम बिना चाय के तो अधूरी होती है, और बहुत सारे हमने काम किए हैं आज।
और मीशो से और अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट है वो हमने आपको दिखाए। और क्या, हाँ, शू बैग जो है, ट्रैवल बैग बोलते हैं, तो वो भी ऑर्डर किया था। तो ट्रैवल में तो नहीं, हाँ, घर में भी हम उसको किस तरह रखेंगे, मतलब सारे शूज़ सैंडल्स वगैरह वो आपको दिखाएंगे ही कि कैसा बैग है, अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, वो भी रिव्यू करेंगे। और हाँ, दोपहर में बाहर गए थे, बहुत सारे काम निपटाए हैं, जैसे जैसे हमें अपने लिए कुछ ट्राउज़र के कपड़े लेने थे जो हमको घर में ही सिलने हैं, कुर्ते वगैरह रखे हैं तो अच्छा वो आपको दिखाएंगे, तो अभी तो एक दो लाए हैं, तो जो सिलना है वो आपको दिखाएंगे, उसकी लेस वगैरह ले आए हैं और देखते हैं हम सिल पाते हैं, अच्छा सिलता है नहीं सिलता है ये तो बात की बात है। चलिए फ़िलहाल के लिए तो हम अपनी चाय ख़त्म करें। तो ये शू बैग जो हमने बताया दिखाया था आपको वो है, तो हमने कहा एक बार दिखा दें कि ये रहे शूज़ और इनको ऐसे पैक कर देंगे तो मतलब सेफ भी रहेंगे। अभी तो फिलहाल जो पहन रहे वही शूज़ रखे हैं, बाकी मतलब ये इसी तरह के शूज़ वगैरह सैंडल हम रखेंगे, और ट्रांसपेरेंट है तो सब दिखेगा कौन सा कहाँ रखा है, और सेफ है, डस्ट नहीं लगेगी, मेन बात ये होती है। हम लोग मतलब कितने उसके डिब्बे वगैरह जो होते हैं शूज़ के या सैंडल के साथ जो मिलते हैं कहाँ रख पाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ये फ़िलहाल के लिए सेफ है। तो ये है कपड़ा जिसका हमें ट्राउज़र यानी पैंट सिलना है, और ये है इसकी लेस, ये रही कैंची, इंची टेप और चौक। चलिए काटा जाए और सिला जाए। तो हम जा रहे हैं मार्केट, साथ चलिए, और मेरे यहाँ से वहाँ तक एकदम बारिश की वजह से कपड़े ताते ना रेलिंग पे ही फैलते हैं, पूरी बेडशीट वगैरह, एक बार धूप निकली फिर बारिश फिर धूप, बाहर कपड़े फैलाए दो बार किया, जब तक पहुँचो पहुँचो बारिश से कपड़े भीग गए और उसमें स्मेल आने लगती, अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर यहाँ लाके फैला दिया, रात भर सूखेंगे और सुबह मिल जाएंगे। भैया गोल्डन वाले डिब्बे होंगे बॉक्स चौकोर, नहीं 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 दफ्ती वाले, हाँ कौन से, चलिए भाई आए थे और ये शॉप होलसेल के बहुत आइटम बहुत ज़्यादा हमें बॉक्सेस चाहिए थे, अब कुछ और भी काम है वो भी निपटाने यहीं पे, वो बहुत अच्छी जगह है जहाँ जाएंगे। यहाँ का नखास में ये शॉप है और ट्रस्ट, भैया अनारसी की गोली कैसे दी है, जी 250 ग्राम दे दीजिए। जी ड्राइवर है, इसका पजामा दिखाना भैया, अच्छा ठीक है, पर्पल पर्पल वाला एक बार दिखाओ, अच्छा दुपट्टा भी है, ओके 1650 ठीक है। हाँ भैया, हाँ और कलर दिखा दो भैया, देखिए तो भाई हम आ गए हैं, हम आ गए हैं चौक, और मतलब कोई सेट लेना है बच्चे का तो हमने कहा चिकन सबसे बेस्ट होता है, सिला सिलाया मिल जाएगा, मरहबा चिकन चौक में है, और ये वाला ओके, हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है। तो भाई हमें शॉप पर भी मिल गया है मिरर 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 एंड द शॉप, और हमने खरीद लिया है सेट, और अब हम वापस बहुत लेट हो गया है, कब से निकले हुए हैं यहाँ चौक और इन सब एरिया, और काम भी इनके बिना नहीं होता है, तो माशाल्लाह रौनक रहती है इस मार्केट में, ये सब बहुत अच्छे यहाँ गरारे भी मिलते हैं, प्योर चौक में एकदम मेन खड़े में हैं हम,
और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है यहाँ, इतनी ज़्यादा खूब तेज़ी का एक आवाज़ है। हमने कहा देखें, अरे सब लोग भीगते भीगते जा रहे हैं ये रिक्शा से, एकदम सब धुल धुल के एकदम साफ हो जाता है माशाल्लाह। बहुत झमाझम बारिश हो रही है और इसी को कहते हैं झमाझम बारिश, बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। चलो भाई चला जाए। तो हम आ गए थे चाय बनाने के लिए और उधर किस बारिश, खूब बारिश बाहर हो रही है, अभी आपको दिखाया भी है। चलिए भाई चाय बनाई जाए। तो हम आ गए हैं बालकनी पे अपनी चाय के साथ। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। शाह की जगह साह, साह की जगह जब शाह हो जाता है। हम लोग क्या तो बहुत ज़्यादा लखनऊ वाले हैं, तो मतलब उर्दू अच्छे बोलना चाहिए, एक नुक्ते का भी फ़र्क होता है तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसका तलफ़्फ़ुज़ चेंज हो जाता है। आप बस यहाँ खड़े हो जाओ तो बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत ही नहीं है, सारी एकदम ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक चलती है। मतलब बारिश हुई, झमाझम हुई, अंधेरा हुआ, सब हुआ और एकदम रुक गई, मतलब अब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। बादल तो है अच्छा खासा लेकिन बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी दूर हुई 10-15 मिनट शायद बहुत तेज़ बारिश हुई बस। चलिए फिलहाल के लिए अंदर चलते हैं चाय पीते हैं। तो चाय पीने के बाद हमने भी भिंडी काट ली आज। हाँ बेटा, और ये रही मेरी जेरी, क्या हो गया, और ये रहे हम। तो बता रहे थे भिंडी काट ली और ये देखिए कितनी ख़राब भिंडी निकली है, बहुत ज़्यादा। मतलब भिंडी और घुइया दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ख़राब निकलती है। बस भिंडी अरहर की दाल चावल बनाएंगे, नहीं क्या बनाएंगे, हमें खाना है। नहीं क्यों कह रही हो, हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना बनाने दो, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, ओके। क्या जेरी, नहीं बिल्कुल नहीं, चलो अभी वाटर बॉटल भरना है और चावल धोना है, बहुत काम है, चलो चलो चलो। अब तो अब आ गए हैं किचन में, इधर बन रही है चाय, ये खाली है क्योंकि बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न। चलिए बनाया जाए। तो भैया मेरे चीज़ पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं लेकिन अभी भी उछल लें, थोड़े बहुत रह गए लग रहा है। ओए सभी तो बाहर उछल रहे हैं इसीलिए इस पर, ये देखो कितना ये चीज़ वाला है। चाय ऑलमोस्ट रेडी है। तो मेरे चीज़ पॉपकॉर्न जो हैं रेडी हो गए हैं, एक बड़े पैकेट में ये दो बॉल रेडी हुए हैं, तो एक हमज़ा का हमज़ा और ये वाला मेरा है। नीचे थोड़े थोड़े रह जाते हैं, पता नहीं क्यों जलने लगेंगे तो इसलिए निकाल लिया। और ये रही एस उजर हुई चाय। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, चलो भाई पॉपकॉर्न खाएं, पॉपकॉर्न टाइम। चीज़ फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमने कहा चाय के साथ आज पॉपकॉर्न, रमशा है नहीं और हम और रमजा अपनी चाय के साथ पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं। तो हम हमज़ा टोटो को देखिए कितने प्यार से बीच में बैठे हैं, वो हमज़ा के साथ खाना खाती हैं, तो हम भी रात का खाना खाने जा रहे हैं। और आज हम मेरा दिल रोटी खाने का नहीं है, तो दाल चावल पनीर की सब्ज़ी है और भिंडी की सब्ज़ी है बनाई। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं खाना खाकर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, क्या क्या किया सब आपको दिखाया। चौक गए थे गोल्डन वाले बॉक्स जो होते हैं
कार्डबोर्ड दफ्ती वाले वो लिए, और अनरसे की गोली, अनरसे की गोली हाजी जी के यहाँ की बहुत फेमस है, बहुत अच्छी होती है। लखनऊ के जितने लोग हैं उनको पता होगा कितनी मतलब बहुत टेस्टी लगती है, और ये सिर्फ बारिश के ही मौसम में अच्छी भी लगती है और बनती ही है, मतलब सीज़न के हिसाब से ही बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं जो बनती हैं, उनमें से एक बारिश की जो है वो है अनरसे की गोली। उसके बाद गए आइजू के लिए सूट लेने के लिए, हमने कहा ले लें, वो पहनती है, अच्छी भी लगती माशाल्लाह, और बहुत शौक से प्यार से पहनती है। तो बस ये सारे काम चौक के निपटाए, खाना खाया, यही सारी चीज़ें की। तो अब मेरे व्लॉग की एंडिंग का टाइम है, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।